नमस्कार, राज्यसभा समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। 126वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST के लिए आरक्षण की सीमा 10 साल बढ़ाने का प्रावधान। चर्चा के जवाब में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, सरकार जारी रखेगी आरक्षण। राज्यसभा से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक 2019 को मंजूरी। वित्तीय सेवा बाजार विकसित और विनियमित करने के लिए प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान। संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक भी सदन से पारित। पोर्नोग्राफी और सोशल मीडिया का बच्चों और समाज पर होने वाले असर को लेकर सभापति एम वेंकैया नायडू ने एडहॉक कमेटी का किया गठन। अनौपचारिक समूह में शामिल सांसद होंगे समिति के सदस्य। एक महीने के भीतर सौंपनी होगी रिपोर्ट। संविधान 126वां संशोधन विधेयक संसद से पारित हो गया है। आज राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा 10 वर्ष और बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक करने का प्रावधान है। विधेयक में एग्लो इंडियन समुदाय के लिए ये व्यवस्था खत्म करने का भी प्रावधान है। विधेयक को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। इससे पहले चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार SC/ST आरक्षण को खत्म नहीं करेगी। ऐसे लोगों की बेहतरी और प्रगति के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। मोदी जी की सरकार आरक्षण कभी समाप्त नहीं करेगी, ये हम साफ साफ कहना चाहते हैं। सर, मुद्रा लोन सर हमने 21 करोड़ दिया सर, इसके 55% बेनिफिशियरी SC/ST और OBC है सर। उज्ज्वला योजना में सर 8 करोड़ LPG कनेक्शन दिया, इसके 50% बेनिफिशियरी SC/ST हैं। PM आवास योजना में लगभग 90 लाख में लगभग 25 लाख SC बेनिफिशियरी हैं और 22 लाख ST बेनिफिशियरी हैं। तो सर बाकी जो ST एक्ट को प्रिवेंट को मजबूत करने की बात, और सर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, एक क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है सर, कि जहाँ तक क्रीमी लेयर का सवाल है सर, क्रीमी लेयर के मामले में बार बार ये कहा गया है सर, तो मैं भारत सरकार का स्टैंड स्पष्ट करना चाहता हूं। भारत सरकार ST/SC में क्रीमी लेयर के पक्ष में नहीं है। तो हमारी कल्पना यह है सर कि एक अच्छा ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो सर, जिसमें आपके सुप्रीम कोर्ट के तत्वावधान में हो सर, बट ए मेरिट बेस्ड सिलेक्शन ऑफ द गुड टैलेंटेड पीपल ऑन द पोस्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। They will become additional district judge, then become district judges, वहाँ से वो हाई कोर्ट जाएंगे सर। और सर मेरी अपेक्षा क्या है सर, कि मैं उसमें SC/ST को रिजर्वेशन भी देने का पक्षधर हूँ सर। एंग्लो इंडियंस के कॉन्ट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करता हूँ, एजुकेशन में, आर्म फोर्सेज में, उनका एक्नॉलेजमेंट हम अभिनंदन करते हैं। लेकिन सर एक बात, जब आप 20 करोड़ SC को एक्नॉलेज करते हैं सेंसस के, 10 करोड़ ST का एक्नॉलेज करते हैं, 2 करोड़ अगर SC हैं, तो सर आप उनकी संख्या सेंसस की बिलीव करते हैं, तो आपको एंग्लो इंडियन का अविश्वास करने का क्या मतलब है? देयर कॉन्ट्रीब्यूशन वुड नाइदर बी मिनिमाइज नॉर बी रिकॉग्नाइज ओनली एंड ओनली बाय रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आई टोटली एग्री विथ हिम, दे से दैट एंग्लो इंडियंस देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज रिकॉग्नाइजेबल, हम उनका विचार कर रहे हैं। तो सर मेरा सिर्फ यही कहना है सर, अभी जो ST/SC के आरक्षण के विस्तार का ये विषय हम लेकर के आए हैं सर, मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा सर, ये पूरा सदन उसको पारित करे सर। चर्चा के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने भी मंत्रालय की ओर से स्पष्टीकरण दिया। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने भी अपने विचार रखे। इन 5 सालों में अनेक ऐतिहासिक निर्णय हमने अनुसूचित जाति और जनजाति के हित में किए हैं। वहीं इस योजना में UPA के टाइम पर आंकड़े देख ले गुलाम नबी आज़ाद साहब, 30-32 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का कभी प्रावधान नहीं हुआ, जो 9-10% से ज़्यादा नहीं था।
हमने उसको बढ़ाया, फिर एक साल में 50,000 करोड़ किया, दूसरे साल में 56,000 करोड़, और इस बार 76,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में है जो 22% होता है। जो सामाजिक न्याय का मामला है उसमें सब लोग योगदान कीजिए, और जब तक इस देश में सामाजिक न्याय नहीं आएगा, ये पॉलिटिकल आरक्षण तो हो गया है लेकिन 3 क्रांति सर, सांस्कृतिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, पॉलिटिकल क्रांति, एक पर हम पहुंच गए हैं, तीनों को हासिल करना है। और इससे पहले चर्चा में हिस्सा लेते हुए सदस्यों ने राज्यसभा और विधान परिषदों में आरक्षण, सरकारी नौकरियों में बैकलॉग पदों को भरने और उच्च न्यायिक पदों पर आरक्षण की मांग की। कई सदस्यों ने विधायिका में एग्लो इंडियन के लिए आरक्षण व्यवस्था खत्म करने पर सवाल उठाया। किसी भी इंसान को और विशेष तौर से भारत जैसे देश के लिए जहां विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न जातियां हैं, सबका 3 चीजें सबको चाहिए, उसे आर्थिक प्रोटेक्शन चाहिए, सामाजिक प्रोटेक्शन चाहिए, जैसे दलित के लिए हम कानून बनाए हैं उसको बढ़ा रहे हैं, और दूसरा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहिए। ये बिल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद राम जी। और हमारी सरकार संविधान को बचाने वाली है, हमारी सरकार संविधान की सुरक्षा करने वाली है, और मोदी जी संविधान को पूर्णपणे मजबूत करने के लिए यहाँ मतलब आए हैं। ये भी सुझाव देना चाहूँगा, आपने लोकसभा विधानसभा के लिए तो आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं, इसके माध्यम से और 10 साल के लिए बढ़ा रहे हैं, विधान पर राज्यसभा और विधान परिषद में इसे क्यों नहीं लागू किया जा सकता? कि उन्होंने डेवलपमेंट की दृष्टि से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में विशेष कार्य योजना हाथ में ली है, उस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के जरिए 110 डिस्ट्रिक्ट लिए हैं, उसमें एसटीएससी के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। यू आर नॉट गोइंग टू रिन्यू दीज 2 MPs, you are not going to renew the 13 state MLAs, fine, you are also denying the community as a result of this. I want to end now by saying, by urging the minister, make it not 10 years for SCST, make it 20 years, make it 30 years. संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2019 आज राज्यसभा से पारित हो गया। ये संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 के भाग 6 में संशोधन करता है जिसमें कर्नाटक की जनजातियां हैं। ये विधेयक 9 जनवरी को राज्यसभा में पेश किया गया था। जो अनुसूचित जनजातियां हैं बहुत गरीबी अवस्था में है, उनको आरक्षण कई जगह पे उनको कई सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो यदि ये जैसे कर्नाटक के जो तलवारा परिवारा और जो सिद्धि है अनुसूचित जनजाति में शामिल हो जाते हैं, तो इसके बाद इनको भारत सरकार की ओर से और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से मिलने वाले जितने भी प्रकार के आरक्षण हैं और स्कीमों का जो लाभ है वो सब उनको मिलने लगेगा। They have the richest culture, tribal culture. They are the glorified tribes. They have their own culture. And anthropologists are also making some research. They also should be included in this schedule 342. It should be included and they should be given the tribal status because their culture is far superior than any other culture in the country because they don't follow the Saptapadis. They have the pure tribal culture. There have been 3 constitutional Scheduled Tribes Order Amendment bills which have been brought to Parliament. It is high time that another bill is brought including the excluded and deprived communities of North Bengal. Kattunayakan community, the Yerukala community, Malakuravan community, Karumans under Article 342(2) of the Constitution under the list of the Scheduled Tribe. This also has to be considered because these tribal people, though they are living as several clusters in the tribal areas. राज्य सभा ने आज अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण 2019 को चर्चा के बाद मंजूरी दे दी, जिसमें भारत में ऐसे केंद्रों में वित्तीय सेवा बाजार विकसित और विनियमित करने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये केंद्र सर्वश्रेष्ठ वैश्विक मानकों का पालन करेगा और इस पर देश के सभी कानून लागू होंगे। देर आर 40 ऑपरेशनल ब्रोकर्स एंड 100 प्लस लाइसेंस्ड ब्रोकर्स हु आर एक्टिवली एंगेजिंग इन इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग सर्विसेज एंड इन प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। 19 प्लस प्लेयर्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर, reinsurance businesses are conducted, insurance intermediaries operate from there, and the sum insured from here is in the range of $30 billion. Will the rupee be capital account convertible in these enclaves? So Singapore and Dubai are not enclaves, they are city states. However, this SEZ Act 2005 creates enclaves within the larger territory of India, and one should be very clear what is permissible in the enclave and what is not permissible in the enclave. Rajya Sabha ne iske alawa vinyog sankhyank 3 vidhyak ko charcha ke baad lauta diya. Vitt mantri Nirmala Sitaraman ne sadasyon ke sawalon ke jawab diye. Unhone GST samet sabhi muddon ko lekar jawab diya. I have very specifically read out as to what is the date when the last collection gave us something and when the last payment was made, how much in excess was it. I thought it was fairly apparent as to what has been paid, how much has been paid, and what obviously therefore remains to be paid. Pornography, social media aur iska bachcho aur samaj par hone wale asar ki padtal ab Rajya Sabha ki ad hoc committee karegi. राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने 5 दिसंबर को इसी मामले पर अनौपचारिक समूह के गठन का ऐलान किया था, लेकिन इस अनौपचारिक समूह को आ रही लॉजिस्टिक परेशानियों के मद्देनजर सभापति ने इस मामले पर एडहॉक कमेटी के गठन का फैसला किया। उन्होंने आज सदन में बताया कि इसी मामले पर 5 दिसंबर को गठित अनौपचारिक समूह में शामिल सांसद ही इस एडहॉक कमेटी के सदस्य होंगे और उस अनौपचारिक समिति को के कोऑर्डिनेटर जयराम रमेश अब एडहॉक कमेटी के चेयरमैन होंगे। उन्होंने एडहॉक कमेटी को आज से 1 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। You are aware on the 5th December 2019, I had announced in the House constitution of an informal group to study the issue of pornography on social media and its effect on children and society as a whole, comprising of the following members: Sri Jairam Ramesh, Coordinator, Sri Amar Patnaik, Sri Dr. Ami Yagnik, Ms. Dora Sen, Srimati Jaya Bachchan, Srimati Kahakashan Parvin, Sri Rajiv Chandrasekhar, Professor M.V. Raju Gowda, Srimati Rupa Ganguly, Sri Sanjay Singh, Sri Tiruchi Siva, Srimati Vandana Chavan, Srimati Vijaya Satyanath, Dr. Vinay P. Sahasrabuddhe. The group has held few meetings to discuss the matter. However, Sri Jairam Ramesh, the coordinator of the informal group, met me, experienced certain logistic problems being faced by the group. Being an informal one, I have considered the matter and decided to form an ad hoc committee with the same composition. Sri Jairam Ramesh will be the chairman of the ad hoc committee. The terms of reference of the ad hoc committee will be under the study the alarming issue of pornography on the social media and its effect on children and society as a whole, to hold comprehensive discussion on the subject with all the concerned. Submit a report within 1 month from today. It will not be extended under any circumstances. Rules relating to select committee on bills shall apply to this ad hoc committee also. और इसी के साथ राज्यसभा समाचार में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।